स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के ए टू जेड ऑल चैप्टर्स आपके साथ, और हो सका तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसके की नोट्स और फुल पीडीएफ नोट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मिड सेशन निकल चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ 11th का, पहले वो बिजनेस के मिड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब पार्ट बी। तो हम यहाँ पे 11th की बिजनेस डिस्कस करेंगे। जब 11th हो जाएगा तो उसके बाद हम 12th की बिजनेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट बी में जो सेक्शन आ रहा है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? देखिए, बिजनेस फाइनेंस को समझने के लिए सबसे पहले फाइनेंस समझना पड़ेगा क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, वो पूरे शरीर में क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। वैसे ही अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का अगर कोई ब्लड है तो वो है मनी। ठीक है, विदाउट मनी कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उस मनी के लिए, उस पैसे के लिए जहां से जैसे भी आता है उसके लिए वर्ड यूज करा गया फाइनेंस। ठीक है, और क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए वर्ड के लिए यूज करा गया बिजनेस फाइनेंस। तो यहां पर जितनी भी हम पैसे की जरूरत पड़ती है उसे हम बोल रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम इसमें पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमें अपने बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में आ सकता है 6 मार्क्स के लिए। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है, इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं व्यवसाय करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। लेकिन अच्छा आइडिया भी तब काम करेगा जब आपके पास उस आइडिया को करने के लिए क्या होंगे? पैसे होंगे। बिजनेस का, जब मैंने बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या कहिए बिजनेस का जो ब्लड है वही मनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मनी पहले आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके वो मनी बनेगी। तो पहला, किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप किस लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल का, छोटे लेवल का, बट मनी कंपलसरी आपके पास होनी ही चाहिए। तो पहला, व्यवसाय की स्थापना के लिए क्या ये बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारे पास, नेसेसरी टू रन, यहां पे ये हो जाएगा हमारा रन बिजनेस। देखिए, स्टार्ट हो गया बिजनेस हमारा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक बार ही पैसा नहीं लगाना पड़ता, समय समय पर उसमें क्या लगाना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार क्या होता है, नॉर्मली हमारे शरीर की बात करें, मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि हमारा शरीर है और ब्लड वहां पर क्या है, पैसे की तरह काम कर रहा है। सेम बिजनेस में ब्लड भी क्या होता है? पैसा होता है। तो हमारा ब्लड क्या होता है? हर रोज बनता है और बेकार भी। तो आपको पता है हमारी रोज की कई सारी सेल बनती है और मर जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर रोज जो पैसा बनता है उससे हमारा शरीर चलता रहता है। ठीक है, शरीर के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, मतलब बिजनेस के लिए। तो देखिए, यहां जो हमारा बिजनेस है उसको एक बार खोल देने से ही पैसा, मतलब काम पूरा नहीं हो जाता। हमारे पास उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए? पैसा होना जरूरी है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए क्या है? आवश्यक है क्या? वित्त मतलब पैसा। नेक्स्ट, नेसेसरी टू मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। देखिए, एक बिजनेस को जहां से स्टार्ट हुआ उसको ऊपर ले जाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अब सिंपल सी बात करूं, अगर हम कॉफी और चाय की बात करें तो बहुत छोटी कॉमन चीज है, 7 रुपए 10 रुपए की चाय मिलती है। ठीक है, कॉफी 10-15 रुपए की मिल जाती है। लेकिन अगर यही इसी चीज को बहुत अच्छे से किया जाए, मॉडर्नाइजेशन तरीके से किया जाए, तो इसी कॉफी और चाय के लोग 100-150 रुपए भी वसूलते हैं। आपका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा आपके लिए, आपने सीसीडी का नाम मे भी सुना हो, कॉफी कैफे डे। ठीक है, तो इंडियन ब्रांड है, वो क्या करता है? कॉफी प्रोवाइड करता है, लोग बैठ के आराम से कॉफी एंजॉय करते हैं सीसीडी में। लेकिन वहां की जो कॉफी पड़ती है वो 100-150-200 रुपए की पड़ती है जाके एक कप। ठीक है, अब वही जो कॉफी 20 रुपए की बिक्री थी, चलिए मैक्सिमम ले लीजिए 50 रुपए के लिए बिक जाती मैक्सिमम, वो अब कितने की बिक्री है? 150-200 रुपए की, इवन मोर देन 200 एंड 500। तो अब एक बात बताइए, हुआ क्या? उनने उसी चीज को, कॉफी और चाय वाले बिजनेस को एक अच्छा प्लेस लिया, अच्छी जैसे हम डोमिनोज में जाते हैं वैसा एनवायरनमेंट दिया, एक तरह से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और क्या बना दिया? कॉफी कैफे डे, सीसीडी, और आज के टाइम में बहुत ज्यादा वो फेमस है, और बिजनेस अलग अलग मीटिंग भी होती है वहां पर। तो हो क्या रहा है? देखिए, पैसा लगाकर उसने क्या कर दिया? बिजनेस को मॉडर्नाइज कर दिया और बढ़ा दिया, और आज के टाइम में बहुत सारी इसकी क्या है? ब्रांचेस चल रही है। तो किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी आपके पास कैश होना जरूरी है। नेक्स्ट,
नेसेसरी टू अवेल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको कि होता क्या था, हमारे इंडिया में 2G 3G नेट चल रहा था, लेकिन क्या हुआ 4G नेट इतना नहीं आया था और एयरटेल अपने आपको अनाउंस कर रहा था कि मैं 4G लाने वाला पहला नेटवर्क हूँ और हमारा सबसे तेज है। इतने में किया क्या, हमारे अंबानी जी ने 2.5 लाख रुपए 4G पे खर्च किए, ना 2G पे ना 3G पे, सीधा क्या, उन्हें पता आने वाली जनरेशन स्पीड में काम करेगी, आने वाली जनरेशन को फास्ट डाटा चाहिए, तो उन्हें सारे के सारे 2.5 लाख करोड़ रुपए जो लगाने थे वो किसमें लगाए, 4G नेटवर्क पे। इवन जब इंडिया में 4G ज्यादातर यूज नहीं करते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप देख रहे हैं, जैसा ये एक जुआ खेलने जैसा था कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया के लोग 2G 3G यूज कर रहे थे, 4G बहुत कम लोगों का, तो फोन भी नहीं था 4G। लेकिन आज देखिए पूरे इंडिया में जियो को कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं जानता होगा। ठीक है, कॉल भी फ्री, डाटा भी फ्री, जो हम 200-300 रुपए पहले नहीं खर्च करते तो 200-300 रुपए भी खर्च कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने क्या करा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर उसको मैं कैच कर लूं तो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। तो मतलब नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस फाइनेंस चाहिए, नहीं तो बाजी कोई और ले जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेसेसरी टू फेस रिसेशन। देखिए हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा ही चल रहा होता है तो कभी बेकार चल रहा होता है। अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेकार चल रहा है तो उस स्थिति उस कंडीशन को बोलेंगे हम रिसेशन। ठीक है, और उससे जूझने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। एंड लास्ट फाइनल पॉइंट, दैट इज नेसेसरी टू इंक्रीज गुडविल, साख बढ़ाने के लिए आवश्यक। अब ये गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब कह सकते हैं रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब हमारी पहचान, हम अगर किसी ट्रांजेक्शन डेली की अच्छी करते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाता है, लेन देन अच्छा हो जाता है। तो आपको मैं समझाता हूँ गुडविल के बारे में। गुडविल का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं आपको। मैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाता हूँ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो मैं कभी कभार डेली अभी मतलब चला जाता था, कभी कभार शाम को खाना पैक करा के घर लाता था, करते 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 ऐसा चल रहा था। ठीक है, कुछ महीने बाद क्या हुआ, एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया, तो हुआ क्या, मेरे पास कैश नहीं था और मेरा पेटीएम वर्क नहीं कर रहा था, पेटीएम बैलेंस पड़ा हुआ था। अब उसमें क्या हुआ, उस जो ऑनर था उन्होंने कहा कोई नहीं कल दे दीजिएगा आप। ठीक है, अब क्या मैं बताना चाहूंगा, रेस्टोरेंट वाला मुझे पर्सनली नहीं जानता कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, मेरा फोन नंबर क्या है। उसने बोला कल दे दीजिएगा। हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि डेली की ट्रांजेक्शन करने से, कैश पेमेंट करने से मेरी क्या बन गई थी, वहां पे गुडविल बन गई थी अच्छी। उसे पता था ये आज नहीं दे रहा है बंदा, लेकिन ये कल दे देगा। तो अगर आप किसी की डेली ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, मतलब टाइम पे कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है उसके सामने। तो इसी कह रहे हैं कि अगर आप टाइम टू टाइम सबकी पेमेंट करते रहेंगे, सबके पैसे लेते रहेंगे, तो इससे आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। तो ओवरऑल हम देखें तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे देखकर चैप्टर वाइज उनको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्लीज इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।